हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी कुकुम्बर रेसिपी। ये एक बंगाली वेज रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम कुकुम्बर, जिसे हम खीरा और सौसा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पील निकाल लेंगे। उसके बाद खीरे को दोनों साइड से इस तरह काट लेंगे और ये जो कटा हुआ टुकड़ा है उसी से इसे थोड़ी देर घिस लेंगे। दोनों साइड से ही इसे अच्छी तरह से घिस लेना है, इससे खीरा का जो कड़वापन है वो हट जाता है। अब हम इस खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश कीजिएगा इस रेसिपी को फ्रेश कुकुम्बर से ही बनाने की। फ्रेश कुकुम्बर यूज करने से ये जल्दी ही पक जाता है और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब एक बोल में पानी लेके ये सारे खीरे को इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए तो इसका पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी और फिर जो कटा हुआ हम लोग खीरा रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर इसे चला के इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। फिर से इसे थोड़ी देर चला के इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक को मिला के हम इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम में ढक के पका लेंगे। 2 मिनट हो जाए तो इसके बाद फिर से इसे थोड़ा सा चला लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर फ्राई करके इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। फिर इसे कवर करके 5 मिनट लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे कुछ मिनट फ्राई कर लेंगे। सब्जी में जब थोड़ा पानी बचा रहे उसी टाइम हम ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच पॉपी सीड पेस्ट, जिसे हम पोस्तो या खसखस के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो इसी टाइम आप गैस ऑफ करके सर्व कर सकते हैं। और अगर ड्राई पसंद है तो गैस का फ्लेम हाई करके पानी सुखा लीजिए, उसके बाद गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए।